आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे मज़मून नवीसी के बारे में उर्दू कवायद इंशा में। दर्ज ज़ेल नमूने पर गौर कीजिए। मज़मून क्या होता है? फूल के मौजू पर मौजू बनाकर मज़मून लिखना हो तो इन नुकात पर तवज्जो दी जा सकती है। फूल की अहमियत, अगर आपको फूल पर मज़मून लिखना चाहे तो पहले आप फूल की अहमियत के बारे में कुछ लिख दीजिएगा। मुख्तलिफ़ मौसमों और फूल की पैदावार, किन किन मौसम में कौन कौन से फूल आते हैं और किन किन मौसम में कौन कौन से फूल पैदा होते हैं। मुख्तलिफ़ रंगों और खुशबू वाले फूल, और किस किस कलर के रंगों के फूल होते हैं और उन किन से कैसी खुशबू आती है। गुलाब की खसूसी अहमियत, गुलाब जो है फूलों का राजा क्यों है, क्यों फूलों का मशरफ कहाँ इस्तेमाल होता है, और ख़ुलासा। और दूसरा ये है, दूसरे पर मज़मून लिखने को आ जाए, मसलन स्कूल में योम जमहूरिया मनाए जाने पर मज़मून लिखने के लिए इशारा। योम जमहूरिया की तारीख व कौमी अहमियत, कब मनाया गया, क्यों मनाया जाता है, इस दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ, वो सारी बात। मादर वतन के लिए इस फ़राइज की याद दहानी, स्कूल में जश्न किस तरह मनाया जाता है, कौमी परचम लहराने के तरीके और उसकी अकीदत का बयान, परेड की अहमियत, कौमी तराना, परचम कशाई के बाद तकरीर का हवाला, जश्न जमहूरिया के मौके पर होने वाली तकरीब का वाला और खुलासा। तो इस तरह से आप जो है मज़मून नवीसी लिख सकते हैं।